यू विद राहुल शर्मा योर गाइड फॉर टुडे क्लास। सो आज की क्लास हमें शुरू क्या करना है, वी गोइंग टू स्टार्ट विद नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की आज की क्लास हमारी इतना पूरी तरह डिवाइड करती है फॉर्मूला बेस्ड एंड हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय थ्री डिफरेंट मेथड्स। आपने कहा तीन मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह हम उसको समझ सकते हैं और कौन सा ऐसा तरीका होगा जिससे कि हम उस फॉर्मूले को बहुत इजीली याद करेंगे। तो ठीक है, एग्जाम बहुत दूर रहने गए, हमें कुछ चीजें बहुत अच्छे से करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द बेसिक टर्म्स। एज वी ऑल नो दैट देयर आर थ्री वेज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। द फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड, जिसको आप प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड, स्टैटिस्टिक मेथड टू, सेकेंड इनकम मेथड, एंड द थर्ड वन इज द एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों तरीकों से हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय थ्री डिफरेंट मेथड्स। तो क्लास को शुरू करते ही पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूंगा आपको कि हम पढ़ने क्या वाले। हमने कहा नेशनल इनकम का एक फ्लो होता है, सर्कल्स का बोलते हो आप, कहते हो जितनी नेशनल इनकम आए प्रोडक्शन सेक्टर में आती है उतनी इनकम में आती है और उतनी एक्सपेंडिचर मेथड में आती है। ये हमें टैली करता है, क्वेश्चन जो पेपर में आता है उससे पता चलता है कि हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि या तो एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन निकालना होगा या इनकम या एक्सपेंडिचर दोनों निकालना होगा। अब आपका आंसर शुरू होता है सबसे पहला टर्म, हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडिट मेथड, तो पहले क्या करना, वैल्यू एडिट मेथड का सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, ग्रॉस वैल्यू एडिट एट प्राइमरी सेक्टर, देन ग्रॉस वैल्यू एडिट एट सेकेंडरी सेक्टर, एंड देन वी हैव ग्रॉस वैल्यू एडिट एट टर्शियरी सेक्टर। तो याद रखेंगे इसको आप दूसरी फॉर्म में लिख सकते हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर से जो इनकम होती है उसका सम ले लेते हैं। अगर हम उस इनकम को ग्रॉस वैल्यू की फॉर्म में नहीं लेते तो हमें क्या करना पड़ता है, प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। याद रखिएगा, वो बच्चे ध्यान रखेंगे जो कहेंगे सर हमने तो वैल्यू एडिट सुना ही नहीं या हमने किया नहीं, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, आप ध्यान रखेंगे हमने क्या करना है, प्राइमरी सेक्टर की इनकम माइनस अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन प्राइमरी सेक्टर दिया हुआ है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सेम इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर इज सेम एज सर्विस सेक्टर। तो आपने कहा ग्रॉस वैल्यू एडिट एट प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडिट एट सेकेंडरी सेक्टर, एंड देन ग्रॉस वैल्यू एडिट एट टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों का जो सम कहता हूं हमारे पास क्या है, जीडीपी एट एमपी। याद रखिएगा, वी गेट जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जब मेरे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया तो मुझे क्या करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे घटाना है किसको, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को घटाना है। जब मैं मूल्यह्रास को घटाता हूं मेरे पास क्या आता है, आई डू गेट एनडीपी एट एमपी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, दोबारा ये करेगा, आपने पहले प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों से ऑनली ग्रॉस वैल्यू एडिट को ऐड किया तो आपके पास जीडीपी एट एमपी आया। जब जीडीपी एट एमपी आपके पास आ गया तो आपने क्या किया, उसमें से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनडीपी एट एमपी। अब इस एनडीपी एट एमपी से हम एनआईटी को लेस करते हैं, क्या लेस करते हैं, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारे पास क्या आता है, एनडीपी एट एफसी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस होता है सिर्फ एनआईटी का, जब मैं उस एनआईटी को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आ रहा है एनडीपी एट एफसी। अब मुझे इस एनडीपी एट एफसी में क्या करना है, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, मेरे पास क्या आता है, एनएनपी एट एफसी, मैं ये निकालता, इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज नोन हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। This was a simple formula. Those who are working very hard to clear this formula, उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा सजेशन है, नोटबुक साथ के बैठेंगे and just work it out this. Write down your answer. मैं दोबारा से क्लियर करता हूं, सबसे पहले हम लोग वैल्यू एडिट की बात करते हैं। वैल्यू एडिट है क्या, बाजार में कुछ चीजों को डील करने के लिए हमें सेक्टर दिए जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स ओनली इनकम का सम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी, में से सब्ट्रैक्ट करना है डेप्रिसिएशन, हमें क्या मिलता है, एनडीपी एट एमपी। जब हम इस एनडीपी एट एमपी से एनआईटी लेस कर देते हैं तो हमें एनडीपी एट एफसी मिल जाता है। अब मुझे इस एनडीपी एट एफसी में सिर्फ और सिर्फ एनएफई ऐड करनी, जब मैं एनएफई ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एनएमपी एट एफसी। सो दैट मस्ट बी क्लियर टू ऑल दोज़ स्टडीइंग वेरी हार्ड टू क्लियर दिस टॉपिक। देन वी विल जंप अप टू द अदर वन, दैट इज How to calculate national income through income method? Income method. तो आपने क्लियर करना है income method को workout करते हैं हमें किन चीजों को ध्यान रखना है। Income तीन phase में होती है, that is COE, OS and
CISE, that is compensation of employee operating surplus mixed income of self employed. दोबारा क्लियर करेंगे, कॉम्पनसेशन आपका वेजेस हो गया या आपको सैलरी मिलती है, वेतन जिसे हम बोलते हैं भत्ता हो गया, डेली जो मिलता है वेजेस, और अगर हमने कहा ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट या रॉयल्टी कसम, देन थर्ड वन आती है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. दैट मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड रेफर्स टू द इनकम ऑफ दोज हु आर वर्किंग बाय देयर ओन, जो अपने नौकर खुद होते हैं, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, दीज आर सेल्फ एम्प्लॉयड गाइस. तो इनकी इनकम को हम किस सेक्टर में लेते हैं, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. तो जब हम तीनों का सम करते हैं, COE, OS और MISC का सम करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, NNPfc. क्या मिलता है, NNPfc. इस NNPfc में हम क्या ऐड करते हैं, NFIA. हमें क्या ऐड करना है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड. हमें क्या मिल जाता है, NNPfc. यही कैलकुलेट कर रहे थे हम, हमें यही कैलकुलेट करना. तो सिंपल सा फॉर्मूला आपके लिए, सबसे आसान फॉर्मूला बना, एनपी निकालने के लिए, नेशन इनकम निकालने के लिए, एनएनपीएफसी निकालने के लिए थ्रू इनकम मेथड इज एनडीपी प्लस एनएफआई. और एनडीपी का फॉर्मूला क्या था, हमें कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी वीडियो. इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एट विल हेल्प यू आउट टू क्लियर ऑल दोज टॉपिक्स, दोज आर नॉट क्लियर टिल नाउ. एंड देन जंप अप टू द न्यू टॉपिक, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट नेशन इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशन इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले आपको क्लियर करना है, हम क्या बोलते हैं, सही, सी प्लस आई प्लस जी प्लस सी एस प्लस एक्स माइनस एन. सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. आई रिपीट माई वर्ड्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आई. आई किस लिए बनता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. आई स्टैंड करता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. एंड देन जी, जी स्टैंड करता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. रिमेंबर दैट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एंड देन वी हैव सीएस, दैट इज चेंज इन स्टॉक. वो चेंज इन स्टॉक क्या, हमारा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक. देन वी विल मूव अप टू एक्स माइनस एन, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स. दोबारा क्लियर करेंगे, हमने कहा हमें एक्सपेंडिचर मेथड से नेशन कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हमें जीडीपी निकालनी होगी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका फॉर्मूला होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जो बच्चे नोटबुक लेके बैठे हो प्लीज उतार लेंगे साथ साथ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, एंड देन लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स. जब हम इन सब का सम करते हैं तो विल गेट जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. देन जब आप इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास जिसे हम कहते हैं, हम उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. देन विल जंप अप और सब्ट्रैक्ट एनआईटी फॉर्मेट. NIT स्टेट करता है नेट इनडायरेक्ट एक्सेस. इसको लेस करने से क्या होता है, हमारे पास NNPFC है. अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया, सिर्फ आपने NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देना है, एंड यू गेट NNPFC. सो दिस क्लास वर्क्स आउट टू कैलकुलेट नेशन इनकम थ्रू ऑल थ्री डिफरेंट मेथड्स. तीनों तरीके से आप नेशन इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. हाउ यू गोइंग टू वर्क आउट, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें ग्रैब करना है. होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ग्रैब करने के लिए इस फॉर्मूले को और नेशन इनकम में अच्छे नंबर लाने के लिए. फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे कनेक्टेड, बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड लॉट्स ऑफ वीडियोस गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स.